हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको नेल्स एक्सटेंशन करके दिखाऊंगी। तो ये मेरे पास नेल्स हैं, ये मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया था और काफ़ी सस्ते पड़े थे मुझे। और यहाँ पे देखिए, मेरे जो ये नाखून है ना, वो मर गए थे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि या तो आपके नाखून टूट जाते हैं या मर जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आज मैं नेल, जो फेक नेल्स है, वो आपको एक ही लगा कर दिखाऊंगी, केवल अंगूठे के नाखून में, यहाँ और यहाँ। और ये सब तो मेरे ओरिजिनल नेल्स ही हैं जो लंबे हैं। तो लगाने का तरीका क्या है वो आज आपको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी इस ग्लू की मदद से। इसमें एक ग्लू भी मुझे मिला था फ्री में, इसके साथ ही ग्लू था। और उसके बाद मैं ये अप्लाई करूँगी नेल पॉलिश पर, सोनी की नेल कलर। तो चैनल पे बने रहिए, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको हमेशा फीट से जुड़ा हुआ वीडियो मिल जाएगा। और पैरों की देखभाल कैसे करें वो भी आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इसमें ना सभी साइज़ के आपको नेल्स मिल जाएंगे। देखिए, ये जो फेक नेल्स है ना, देख सकते हैं कि इसमें भी 10 था, यानी कि इसमें भी 10 था, ये भी 10 है, और जो जितना भी है ना, सभी 10-10 पीस हैं। तो हाथों में तो ये बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होता है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है हाथों के हिसाब से, देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो उसमें तो लिखा हुआ नहीं था कि ये पैरों के लिए है या फिर हाथों के लिए है, लेकिन फिर भी देखिए, मैं इसको हाथों और मैं तो नहीं अप्लाई करूँगी, लेकिन पैरों में आपको करके दिखाऊँगी। तो देखिए, एक मैं यहाँ पे नेल्स लूँगी जो कि मेरे पैरों में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें हाथ और पैर के लिए तो ऑनलाइन नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये मैं पैरों में फ़िक्स करती हूँ तो अच्छे से फिक्स हो जाती है, देख लीजिए। तो इसको चलिए मैं आपको पहले लगा कर दिखाती हूँ ग्लू की मदद से। तो मैं यहाँ पर दो फेक नेल्स ले लूँगी, थोड़ा सा इसको हटा दूँगी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये दोनों मैं ली हूँ, दोनों को अभी मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये देखिए ग्लू निकालूंगी। ग्लू आपका ना बिल्कुल ही फेविक्विक की तरह ही है, जैसे फेविक्विक आपका काम करता है ना, वैसे ही है। बहुत ही जल्दी ये चिपक भी जाता है, देखिए पारदर्शी है ये ग्लू। और इसको आपको बहुत ही जल्दी से आपको अपने नेल्स पे लगाना होता है। देखिए, यहाँ मैं लगा रही हूँ। ये इस तरह से देखिए नेल्स पे लग गई है, यहाँ पे देखिए इतना तक ग्लू लगा हुआ है, मेरे नेल्स यहाँ तक हैं। दूसरा वाला नेल्स को भी मैं इसी तरह से सेट करूंगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो प्लास्टिक लगा हुआ है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं ठीक करूंगी। चाहे तो आप इसको कैंची की मदद से या ऐसे भी ठीक कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो नेल्स है, फेक नेल्स, वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इस पर आपका ना कोई भी नेल पॉलिश आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आप डिज़ाइन लगा सकते हो। और दूसरी बात ये कि आपका ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आप ऊपर से नेल पॉलिश लगाते हो वो अंदर की तरफ से भी आपका दिखता है। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। देखिए, इस तरह से मैं यहाँ सेट कर ले रही हूँ, और ये तुरंत तुरंत भर में सूख जाता है, तो इसको जल्दी से आपको अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैं लगा ली हूँ, दोनों सेट हो गए हैं मेरे। देखिए, आपको मेरे चैनल पे और भी फेक नेल्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे, कैसे लगाए और नेल पॉलिश लगाने के बाद क्या लुक आता है। अंदर से आप देख सकते हैं कि अंदर से ये मेरा डबल नेल्स दिख रहा है। जो भी मैं अप्लाई करूँगी नेल पॉलिश ऊपर से, वो अंदर से भी मेरा दिखेगा, इसलिए ट्रांसपेरेंट जो है ना, ये फेक नेल्स बहुत अच्छा है। आप वाइट कलर का अगर लेते हो, तो अगर जो भी आप नेल पॉलिश ऊपर लगाते हो तो अंदर से आपका वाइट दिखता है, तो लोग पहचान जाते हैं कि आपने नकली नाखून लगाया है। और इस टाइप से मैं नेल पॉलिश
लगाती हूँ ना जब ट्रांसपेरेंट वाला, तो कोई भी नहीं पहचानता है कि मैंने फेक नेल्स लगाए। और ये इतना अच्छा है कि किसी ने भी नहीं बताया कि ये मैंने नकली नाखून लगाए हैं। यहाँ तक कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाए हैं और किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने फेक नेल्स बनाए हैं, लगाए हैं। तो चलिए अब मैं इस पर नेल पॉलिश अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले तो आप नेल पॉलिश देख लीजिए, ये परसोनी कंपनी का है, ये नया है। देखिए परसोनी एक स्मॉल बोतल में भी आती है, ये थोड़ा बड़ा भी है। इसको मैं यहाँ लगाऊंगी येलो कलर। देखिए यहाँ पे मैं लगाई हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूँ कि मेरे चैनल पे हमेशा आलता की वीडियो आती है, साथ में मेरा नेल पॉलिश भी लगा होता है। खासकर रेड कलर ज़्यादा लगता है मेरे पैरों में आलता या फिर नेल पॉलिश भी, और जब मैं उसको रिमूव करती हूँ तो रेड रेड हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बावजूद आपको पता है मैं 2 दिनों के बाद जिस दिन नेल पॉलिश छुड़ाई थी ना, उसके अगले दिन दोपहर को मैं ये वाली वीडियो शूट कर रही थी, और तो भी इसका जो रेडनेस है ना, मतलब रेड रेड लालिमा लग रही है नाखूनों में, वो नहीं गई थी। तो अब फिर बहुत ज़्यादा वेट, कितना दिन वेट करती मैं, क्योंकि वीडियो भी मेरी अपना YT स्टूडियो में ख़त्म हो गया था। क्योंकि देखिए मैं वीडियो बनाकर रख लेती हूँ और बारी बारी से आप लोगों को देते रहती हूँ, ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत लेट से जा रही है, इसलिए क्योंकि अगर मैं तुरंत आपको बता दूँ ना कि मेरे नाखून टूट गए हैं और मैं नकली नाखून लगा रही हूँ। अगर मैं कई बार पहले भी बोली थी, पहले मैं नकली नाखून यूज़ नहीं करती थी, लेकिन मैं बोलती थी कि मेरा नाखून मर गया है, टूट गया है, ऐसा हो गया है, तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी। और अगर एक दो वीडियो अगर मैंने डाल भी दी उस तरह से, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पता है, आप लोग बोलते थे कि मैम जब आप नाखून बढ़ाइएगा तब वीडियो बनाइएगा, तब बनाने आइएगा यूट्यूब पर, अभी मत आइए। बिना नाखून के यानी लंबे नाखून के पैर अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैं सोची चलो जब नाखून है ही नहीं फिर वीडियो क्या बनाना है, लेकिन कब तक मैं इंतज़ार करूँगी, इसलिए ये जुगाड़ शुरू में मैंने लगाया था पेपर से, कागज़ की मदद से मैं नेल पॉलिश लगाना शुरुआत की थी। कागज़ से मैं नेल्स बनाती थी फेक और उसको फेविकॉल से चिपकाती थी अपने पैरों में और फिर नेल पॉलिश लगाती थी ऊपर से भी और नीचे से भी। तो वो वाली वीडियो भी मैंने पिछले साल डाली है, हम मुझे लगता है 1-2 वीडियो मैंने उस तरह की बनाई थी, आप लोग देखे ही होंगे। तो उस वक्त भी कोई नहीं पहचान पाया था कि मैंने नकली नाखून लगाया है। तो जब मैं नकली नाखून लगाकर वीडियो बनाती हूँ तो ये नहीं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने नकली नाखून लगाया है। जब मेरे नाखून जैसे छोटे रहते हैं, मर गए हैं या नया निकल रहा है तो बहुत छोटा रहता है, टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वैसे में जब तक वो नहीं बढ़ता है तब तक मैं अपना रियल नाखून का वीडियो नहीं डालती हूँ, नकली नाखून ही लगा लगा कर कागज़ का बना हुआ डालती थी। पिछले साल भी मैं ऐसा ही की थी और अभी इस साल यानी जो 2022 चल रहा है, तो देखिए मेरा नाखून क्या है ना कि मर गया था, काफ़ी दिनों से वे मतलब हिल रहा था। जो अभी मैं नेल्स पकड़ी हूँ ना उसी में आपने देखा ना कि बहुत छोटे नेल्स थे, इस पर मैंने फेक नेल्स चिपकाया है ऊपर से, तो अब ये देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा, देखिए ये मेरा पैर जब नेल पेंट लग रहा है तब। तो ये वीडियो आप लोगों के पास बहुत लेट से आई है, क्यों आई है, ठंड में आप देखोगे ये वीडियो, ठंड में देख रहे हैं ठीक है। मैं ये वीडियो आज बता रही हूँ, आज 9 सितंबर है और ये वीडियो मैंने 8 सितंबर को बनाया था, 8 सितंबर, और उस वक्त की अगर आप वीडियो देखोगे तो येलो कलर की ये नेल पॉलिश, ये भी फेक है। इसके पहले मैंने रेड कलर की लगाई थी, वो भी फेक नेल्स था, और उसके पहले भी मैं ग्रीन कलर का लगाई थी, स्क्वायर शेप में मेरा नेल्स दिख रहा था, तो वो सब क्या थे, फेक नेल्स थे। देखिए ये फेक नेल्स है, पूरा येलो दिख रहा है, जो मेरे ओरिजिनल नेल्स है उस पर जब मैं नेल पॉलिश लगाई हूँ तो वो थोड़ा सा पीला पीला आपको कम ही नज़र आ रहा है, और
हल्का हल्का रेड लग रहा है। अभी मैं वन कोट ही लगाई हूँ, अभी मैं इस पे ना फिर से एक कोट और चढ़ाऊँगी, यानी कि दो बार मैं नेल पॉलिश लगाऊँगी। दो बार लगाने से कलर बहुत अच्छा उभर के आता है, साथ ही लॉन्ग टाइम चलता है, जल्दी छूटता नहीं है, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे दो बार नेल पॉलिश लगाऊँगी। थोड़ा थोड़ा निकल जाता है तो उसको मैं अपने हाथों से ही क्लीन कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से जहाँ पे लगे ना कि खाली है तो वहाँ पे थोड़ा सा लगा करके इस तरह से मैं पोंछ दे रही हूँ, ताकि बिल्कुल भी ना लगे कि वो मैं नकली नाखून लगाई हूँ। देखिए दूसरी बार जब मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश, तो जो मेरा नाखून अच्छा नहीं लग रहा था वन कोट लगाने से, दो कोट लगाने से देखिए अच्छा लगने लगेगा। तो ये वीडियो आप तक लेट से पहुँची, अगर कोई शिकायत होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। क्या करूं, नकली नाखून ही लगाना पड़ता है, सहारा तो लेना ही पड़ता है। आजकल देखिए हर कोई फेक नेल्स यूज़ कर रहा है, और इसमें शर्माने की, डरने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल नेल्स एक्सटेंशन आपने सुना ही होगा काफ़ी पार्लर में वर्क हो रहा है, और यहाँ तक कि आई लेसेज एक्सटेंशन है, या फिर नकली बाल लग रहा है, नकली पलके लग रही है। तो ये सब चीज़ें जब हो रही है तो लोग खुल के बता रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि आप लोग बुरा मान जाओगे। इसलिए ये वीडियो ना मैं बहुत लेट से लाई हूँ, और तब तक तो मेरे नाखून भी बढ़ गए हैं, इसलिए लेट से वीडियो लाने का यही है। और बस आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर कभी भी आप लोगों के साथ कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाए, नाखून चोट लग जाए, जैसे ही नाखूनों में चोट लगता है ना किसी वजह से, तो वो मर जाता है, वहाँ का ब्लड जो है ना वो जम जाता है, काला हो जाता है, और वहाँ नाखून का ग्रोथ ही ख़त्म हो जाता है, समझिए। उसके बाद जो नाखून है ना 6-7 महीने बाद वो पूरा जड़ से निकलता है। जब निकलेगा तो उसको बढ़ने में भी कम से कम 4 महीना, 3-4 महीना लग जाता है। तो ऐसे में मैं 3-4 महीने वीडियो नहीं बनाऊंगी तो कैसे काम चलेगा, फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगी। तो देखिए मैं लगा ली हूँ फेक नेल्स, और बहुत ही सुंदर लग रहा है, कोई भी नहीं जान पाता है कि मैंने नकली नाखून लगाया है, और देखने में भी बहुत ही सुंदर है। सभी मेरे रियल हैं, बस अंगूठे के नाखून नकली हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।